मेनका गांधी ने जो कमेंट्स किया था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। आज हम लोग उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। इतने बड़े सोसाइटी के विरुद्ध बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के इस तरह का झूठ बोल सकती हैं। मेनका गांधी ने जो कमेंट्स किया था बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारे पूरे विश्व के जो भक्त हैं बहुत ही दुखी थे। आज हम लोग उनके खिलाफ 100 करोड़ रुपए का मानहानि का हम लोग लीगल एक्शन लेने जा रहे हैं। आज उनको हमने नोटिस ऑलरेडी भेज दिया है और वी विल मेक श्योर हम इसका पूरा करेंगे कि किस तरह एक पार्लियामेंटेरियन एमपी, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक समय वो कैबिनेट मंत्री भी रह चुकी हैं, वो इस तरह किस तरह से इतने बड़े सोसाइटी के विरुद्ध बिना किसी तथ्य के, बिना किसी प्रमाण के इस तरह का झूठ बोल सकती हैं। वो कह रही हैं कि वो हमारे अनंतपुर गौशाला में गई थी, लेकिन वहाँ के भक्त, वो लोग अभी, हमने उनसे बात की, उन्होंने कभी, उनको याद नहीं है कि वो कब आई थी। तो इस तरह अपने घर में बैठकर इस तरह का बेतुका बयान देना कि इस्कॉन अपनी सारी गायों को, कसाईयों को बेच रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसके अगेंस्ट में जो भी होगा उनके अगेंस्ट में हम लोग ये मामला करेंगे और 100 करोड़ का मामला अभी किया है और जो भी ज़रूरत होगा इसको हम पूर्ण रूपेण इसका कंक्लूजन में जाएंगे।